उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली कटौती आम बात है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी जनता की बातें सुनने में आनाकानी करते हैं। बताते चलें कि बीते 15 जुलाई 2018 को इंदिरा नगर लखनऊ निवासी पत्रकार आलोक उपाध्याय के संज्ञान में बिजली कटौती को लेकर एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें मोहल्ले के ही दर्जनों परेशान व्यक्ति को बिजली की समस्या को लेकर अपनी बात रखने का भी मौका तक नहीं दिया जा रहा था। मीडिया में यह घटना प्रकाश में आते ही पूरे मीडिया जगत में आग लग गई। खबर की सुनते ही मौके पर पहुंची मीडिया कर्मियों ने पीड़ित पक्ष से बयान दिए तथा इसके बारे में अधिशासी अभियंता सहित एसडीओ इंदिरा नगर स्पर्श आर्या को अवगत कराया। महज बिजली समस्याओं को लेकर 5 दिन हुए ही थे कि विद्युत विभाग की लापरवाही फिर से सामने आ गई। विभाग की इतनी लापरवाही के चलते इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। बावजूद इसके विद्युत विभाग के ऊर्जा मंत्रियों की आंखें बंद पड़ी हैं। सूबे में बैठी योगी सरकार ने चुनावी वादे के दौरान जनता से यह दावा किया था कि शहरों में 24 घंटे तथा गांवों में 22 घंटे बिजली देने का काम योगी सरकार करेगी, जबकि आज सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो आए दिन तमाम क्षेत्रों से अधिकतर शिकायतें बिजली कटौती को लेकर आती हैं। हाल ही में अखबार की सुर्खियों में बिजली कटौती का मामला प्रकाश में आते ही बिजली कर्मचारी चुस्त दिखाई दे रहे थे कि अचानक सुर्खियों से हटते ही सारे अधिकारी व कर्मचारी अखबारों के पत्रों को ठंडे बस्ते में बंद करके एसी में सो रहे हैं। मीडिया के स्टिंग के दौरान 3 दिन से देखे जा रहे पीएसपी कॉलोनी महानगर कुकरेल संपर्क मार्ग पर 4 स्ट्रीट लाइटें जलती दिखाई दी, जहां दिन में स्ट्रीट लाइट जलती रहती है तथा रातों में बुझी रहती है, जबकि स्ट्रीट लाइटों की जरूरत राहगीरों को रात में होती है, जिससे राहगीरों कुशल पूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, जबकि सूर्य के प्रकाश के बावजूद भी दिन में स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। हालांकि राहगीरों व स्थानीय लोगों के मुताबिक विद्युत विभाग की यह पहली बार भूल नहीं है। इसके पहले भी कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर विद्युत विभाग आंखें मूंदे बैठा है।